और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए सेंट्रल स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए परफेक्ट प्लान बनाया गया है। आईजी और इसी के साथ ही आरपीएफ एके सिन्हा ने सेंट्रल स्टेशन बने कंट्रोल रूम को चेक किया, अभिलेखों को चेक किया, साथ ही आगामी त्योहारों को लेकर मातहतों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। आगामी त्योहारों को लेकर के सेंट्रल स्टेशन पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा को लेकर, हमसे बात करने के आईजी आरपीएफ एके सिन्हा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो किस तरह की व्यवस्था की गई जिससे कि जो पैसेंजर उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। सर आपका न्यूज़ ऑन इंडिया बहुत स्वागत है। सर आगामी त्यौहार है, ऐसे में आप कानपुर आए निरीक्षण करने, तो क्या निरीक्षण पाया और क्या निरीक्षण किया आपने और त्यौहारों के क्या तैयारियाँ हैं? निरीक्षण वार्षिक निरीक्षण किया गया है आरपीएफ पोस्ट कानपुर का, इसमें गत वर्ष और इस वर्ष के क्या परफॉर्मेंस रहा है ये देखा जाता है। बहुत सारे मदों में आरपीएफ पोस्ट ने बहुत अच्छा कार्य किया है और कुछ चीज़ों में जिसमें कमी पाई गई उसमें आदेश दिया गया है और बेहतर करने का। लेकिन जो इस समय एक चुनौती के रूप में है आरपीएफ और रेलवे के सामने, वो ट्रैक पे कई जगह कुछ सामान पाए गए जिसका कि जिस कारण से ट्रेन रनिंग सुरक्षित भी हो सकती है, तो इसके लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर से भी चर्चा की गई है और जॉइंट पेट्रोलिंग कई स्थानों पे की जा रही है। आरपीएफ है, जेआरपी है, लोकल पुलिस है, तीनों मिल करके पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और उसके स्टार्ट होने के बाद से इस प्रकार की घटनाएँ बंद हुई हैं। दूसरा, आपने जो आगामी त्योहारों का विषय की चर्चा करी, तो उसके लिए अभी दीपावली का समय है और इसमें भय रहता है कि कुछ लोग पटाखे और इस प्रकार के सामान को ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव किया जा रहा है और इसमें सभी यात्रियों से भी हमारा अनुरोध है कि कृपया करके किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ को लेकर के यात्रा ना करें, क्योंकि उससे एक छोटे से गलती से बहुतों की जान खतरे में पड़ती है। तो और भी सर, इसके अलावा जो आपने कह रहा है, इसके अलावा ये आपने बताया कि ट्रेनों के बाद वहाँ पर पटरियों पर सिलेंडर दिए थे, इसको लेकर प्लानिंग की गई थी, कानपुर कमिश्नर से भी आपने बात की गई, तो क्या कोई निष्कर्ष निकला अभी तक? जो हादसे करने का प्रयास किया गया उसको लेकर कोई क्लू मिला आप लोगों अभी तक? इसकी इंक्वायरी लोकल पुलिस कर रही है, जीआरपी कर रही है, इसमें अभी कोई कंक्लूजन नहीं आया है, अभी इंक्वायरी चल रहा है और जब तक कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी फाइनल नहीं आई हैं, जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए और सारा इंक्वायरी कंप्लीट हो तभी कोई कंक्लूसिव आपसे इस विषय में बताया जा सके। देखिए आईजी साहब, जिन्होंने साफ तौर बताया है कि जो व्यवस्थाएं वो बेहतर की गई हैं, साथ ही इस दीपावली त्योहारों के अन्य जो त्यौहार हैं उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई जिससे कि पैसेंजर को किसी भी तरह की असुविधा ना हो सके और किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी को पहले से रोका जा सके। कानपुर से कैमरा पर्सन नौशाद खान के साथ रामजी शर्मा, न्यूज़ ऑन इंडिया। आगामी त्यौहारों को लेकर के सेंट्रल